हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक बाइट्स ऑफ मराठी विद कौशिक। आज हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस अबाउट दी न्यू एकेडमिक ईयर, मतलब कल परसों ही बच्चों की स्कूल चालू हो गई है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तुमच्या घरी लहान मुलं आहेत का, मतलब तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं क्या। लहान मतलब छोटा, लहान मुले छोटे बच्चे हैं क्या। उनकी स्कूल चालू हो गई क्या, त्यांची शाळा सुरू झाली का। शुरू होना को मराठी में बोलते हैं सुरू। त्यांची शाळा सुरू झाली का। शाळेत जाताना ते रडले तर नाहीत ना। शाळेत जाताना मतलब स्कूल जाते समय, शाळेत जाताना ते रडले तर नाहीत ना, मतलब स्कूल जाते समय वो रोए तो नहीं ना। शाळेत जायला त्यांना आवडलं का, स्कूल जाना उन्हें पसंद आया क्या। छुट्टी खत्म हो गई, सुट्टी संपली, त्यांना आता सुट्टीची आठवण येत असे। आठवण येणे मतलब याद आना, आठवण का मतलब है याद आना। त्यांना आता सुट्टीची आठवण येत असेल, उन्हें अब छुट्टी की याद आ रही होगी। उनका स्कूल कब होता है, सुबह या दोपहर में। त्यांची शाळा कधी असते, सकाळी का दुपारी। जर शाळा सकाळी असेल तर, जर तर मतलब अगर तो, अगर उनकी स्कूल सुबह है तो, जर त्यांची शाळा सकाळी असेल तर, त्यांना लवकर उठायला लागतं का। लवकर जल्दी, उठणे उठना। त्यांना लवकर उठायला लागतं का, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है क्या। और जल्दी उठना उन्हें पसंद है क्या, लवकर उठायला त्यांना आवडतं का। और बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, आणि मुलं शाळेत कसे जातात। बसने, रिक्षाने का चालत, मतलब बसने, रिक्षा से का चालत या पैदल। कितनी देर लगती है स्कूल पहुंचने के लिए, शाळेत पोहोचायला किती वेळ लागतो। तुमची मुलं डब्यात काय नेतात, मतलब तुम्हारे बच्चे डिब्बे में क्या लेके जाते हैं, जो रिसेस पीरियड होता है, स्नैक्स होता है, उसमें क्या लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे अबाउट दी स्कूल लाइफ ऑफ छोटे बच्चे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू विजिट माई वेबसाइट learnmarathiwithkaushik.com एंड डू गिव मी योर कमेंट सो दैट आई कैन मेक दोज वीडियोज। थैंक यू, बाय।